अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं उसामा अहमद वान और इल्म की दुनिया की जानिब से आपके इंग्लिश का आज पहला लेक्चर है। आज के लेक्चर में मैं फेडरल बोर्ड का सिलेबस और उनका पेपर पैटर्न डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, आपके पेपर पैटर्न में दो मेन हिस्से होते हैं, एक आपका ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप। पहले हम आपके सब्जेक्टिव टाइप को डिस्कस कर लेते हैं। आपका सब्जेक्टिव टाइप में तकरीबन आपका कम्प्लीट सिलेबस इन्होंने कवर किया होता है 80 मार्क्स के लिए। आपके सिलेबस के अंदर 10 शॉर्ट स्टोरीज, 5 हीरोज और एक नावल होता है मिस्टर चिप्स, जिसको उन्होंने 18 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। तो हम क्वेश्चंस को देखते हैं। आपका पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको 10 सवाल दिए जाते हैं, जिसमें से आपने 7 के जवाब देने होते हैं, और वो क्वेश्चंस आपके आते हैं आपके 5 हीरोज में से और जो 10 शॉर्ट लेसन्स हैं उनमें से। इनमें से 10 सवाल बनेंगे जिसमें 7 करने होते हैं। उन टोटल में से सिर्फ 3 सवाल ऐसे होते हैं जिन पर आपको ऑप्शन होती है कि आप उन 2 सवालों में से कोई एक करें। इस तरह टोटल 10 हैं और 7। हर एक सवाल का 4 नंबर होते हैं और आपका टोटल इस पोर्शन से 28 मार्क्स बनते हैं, और आपने हर एक सवाल का जवाब तकरीबन 40 से 50 लाइनों में देना होता है। आपका सेकेंड क्वेश्चन जो है वो मिस्टर चिप से बन के आता है। आपको 3 सवाल दे दिए जाते हैं जिनमें से आपने 2 के जवाब देने हैं, और वो तमाम लेंथी क्वेश्चंस होते हैं। आपने तकरीबन 60 से 70 लफ्ज़ों में जवाब देना होता है और हर एक सवाल के 6 नंबर होते हैं। तो अगर आप 6 नंबर के 2 सवाल करेंगे, 12 नंबर आपके चिप्स के क्वेश्चन आंसर्स में से बनते हैं। फिर आगे जो थर्ड पोर्शन है, ये आपका ग्रामर में से सेक्शन शुरू हो जाता है कुछ। इससे पहले आपकी आती है रिपोर्ट राइटिंग, जिसे इंशाल्लाह हम फर्दर लेक्चर्स में सीखेंगे कि कैसे रिपोर्ट लिखी जाती है। आपके 8 नंबर की रिपोर्ट राइटिंग होती है। आपको 3 पॉइंट्स दिए जाते हैं, आपने उनको मद्देनज़र रखते हुए एक कंप्लीट इंग्लिश रिपोर्ट लिखनी होती है। फिर क्वेश्चन 5 है, जो कि 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक 6 नंबरों का और एक 4 नंबरों का। पहला है, आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, एक लेंथी पैराग्राफ होता है और उसके अंदर कुछ गलतियाँ की हुई होती हैं उन्होंने, और वो गलतियाँ होती हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। आपका काम ये होता है कि आप पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ें, उन गलतियों को आइडेंटिफाई करें और उनको करेक्ट करें, और इसके आपको 6 मार्क्स दिए जाते हैं। क्वेश्चन 5 का जो बी पार्ट है वो है आपके फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स, आपके मुहावरे या फिर कुछ फ्रेजेस, वर्बल फ्रेजेस। इसमें आपको 7 फ्रेजेस दिए जाते हैं या इडियम्स, जिनमें से आपने 4 के सेंटेंसेस बनाने होते हैं, जो कि आपके टोटल 4 नंबर बनते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, आपका पैसेज को रीड करना है और उसमें से क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। आपको एक लेंथी पैराग्राफ दिया जाता है जिसको आपने केयरफुली रीड करना है, और उसके नीचे तकरीबन 3 सवाल दिए जाते हैं और आपने उन तीनों सवालों के जवाब देने होते हैं उस पैराग्राफ के अंदर से। उसमें आपका एक 2 नंबर का, एक 2 नंबर का और एक 6 नंबर का सवाल होता है, और टोटल आपके यहाँ से 10 नंबर इस तरह बनते हैं। फिर आपके सब्जेक्टिव टाइप में जो लास्ट क्वेश्चन है वो है एसे राइटिंग, जिसको इंशाल्लाह हम फर्दर लेक्चर्स में सीखेंगे कि एसे को किस तरह लिखा जाए। आपको 2 टॉपिक्स दिए जाते हैं, आपने उन 2 टॉपिक्स में से एक को सिलेक्ट करना है और उसमें डिटेल से आपने डिस्कशन करनी होती है, मुकम्मल पैराग्राफ। उस पैराग्राफ में क्या पॉइंट्स, क्या हेडलाइंस होनी चाहिए वो भी आपको पेपर के ऊपर बता दी जाती हैं, और इसको काफ़ी डिटेल में करना पड़ता है, एटलीस्ट 2 से 3 पेजेस, क्योंकि ये 12 नंबरों का है। यहाँ पे आपका ये सब्जेक्टिव टाइप कंप्लीट होता है जो टोटल 80 मार्क्स का है। इसके बाद आपका आ जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप, जो कि 20 नंबरों का है। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके लेसन इंक्लूड हैं सारे, आपके हीरोज और मिस्टर चिप्स भी शामिल हैं, और उसके अलावा ग्रामर भी बीच में ही होती है। उसमें जो करने वाले पॉइंट्स होते हैं वो आपको कहानी अच्छी तरह याद होनी चाहिए कि कहानी के अंदर क्या पॉइंट्स थे। आपको कहानी में से कोई पॉइंट बना के एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाया जा सकता है। फिर आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में से बनते हैं, आपके टेंसेज में से और प्रेपोजिशंस में से, और उसके अलावा सिनोनिम्स। सिनोनिम्स से मुराद मुतरादिफ अल्फाज हैं। आपको एक लफ्ज़ दिया जाता है जिसको जुमले के अंदर से अंडरलाइन कर देते हैं, वो उसके नीचे 4 ऑप्शंस होती हैं और आपने एक बेहतरीन जो उस लफ्ज़ का सिनोनिम बनता है उसको सेलेक्ट करना होता है। उन सारों को मिक्स करके आपके 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव मार्क्स बनाए जाते हैं। कंप्लीट ऑब्जेक्टिव में जो जो आपके करने वाले टॉपिक्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उनको हम इंशाल्लाह फर्दर लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको आज के लेक्चर में कोई बात समझ नहीं आई, कोई पॉइंट कंफ्यूजिंग है, तो प्लीज़ पूछिएगा, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा।